हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू आर स्क्वाड यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। एंड ये हमारा 98th एपिसोड है। हमारा पूरा पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, वन से स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है इससे। जाली जुगाड़ हम सिखाते हैं इस सीरीज के थ्रू आपको कि भाई किस तरीके से आपको एग्जाम्स में, अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन में स्टक हो जाओ और फिर भी आप किस तरीके से मैनेज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इसके पहले के वीडियोज देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में, चैनल में प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, वहां पर आपको सीरियल वाइज सारे एपिसोड्स मिलेंगे। एंड इस वीडियो से अगर कुछ लेके जाना चाहते हो तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एग्जाम में तुक्का किस तरीके से मारते हैं, इंटेलिजेंट तुक्का जिसको बोलते हैं। ये नहीं कि आंख बंद करके बी मार दिया, सी मार दिया, वैसे नहीं। इंटेलिजेंट तुक्का किस तरीके से मारते हैं, किस तरीके से अपन, अगर अपन को सॉल्व करना नहीं आता है तो भी अपन अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंचते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखते हैं, हमारे पास में यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है जेई मेन, ठीक है, 2020 का 7th जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर है, ठीक है। एपिसोड नंबर 97 में भी मैंने दो क्वेश्चन लिया था इसी पेपर का, तो दो क्वेश्चन मैंने वहां लिया मैथ्स का और दो क्वेश्चन मैं यहां ले रहा हूं मैथ्स का, ठीक है। तो बैक टू बैक आपको चार क्वेश्चन देखने को मिल गया, सेम पेपर, सेम शिफ्ट, सब कुछ सेम। तो अगर आप चार क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा के सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब 16 मार्क्स, ठीक है। तो आप सोच रहे हो 16 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा मिल जाए, आपका हो सकता है 50 मार्क्स आ रहा था, वहां पर आप 16 मार्क्स इस तरीके से और ले आए तो 66 आपका हो जाता है, वहां पर एक बहुत बड़ा एक आपके पास में रैंक का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं आपके आए हुए पेपर है 2020 में 7 जनवरी शिफ्ट 1 में आए हुए हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए हैं। एंड इन दोनों को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अगर सॉल्व करना सही से नहीं आता तो भी आप इसमें तुक्का लगा सकते हो, या किस तरीके से आप इसमें अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो फील करके करेक्ट आंसर या उसके पास पहुंच सकते हो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय द सर्कल। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपको सर्कल वगैरह दिया है, ठीक है, जो भी आपको सर्कल वगैरह दिया है पहले तो उसको आप बना लो। कैसे बना लो आप, इस तरीके से आप एक रफ सर्कल बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू। इसका मतलब क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस, सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास में सर्कल होता है जो कि हमारा क्या होता है, वाई को जीरो करोगे तो एक्स कितना आएगा, प्लस माइनस आर, ठीक है। तो ये आर कॉमा जीरो, मतलब कि यहां पर इस क्वेश्चन के लिए अपना कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए अपना कितना हो जाएगा, रूट टू, राइट, रूट टू हो जाएगा। एंड हमारे पास में क्या है, प्लस माइनस रूट टू, एंड अगर आप एक्स को जीरो करोगे तो वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आर, दैट मीन्स यहां पर हमारे पास में आ जाएगा रूट टू, क्योंकि यहां पर आर की वैल्यू रूट टू है। तो कुछ इस तरीके का हमारा सर्कल बन जाएगा, एक रफ सर्कल की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, एग्जैक्ट सर्कल नहीं, रफ सर्कल है फील करने के लिए। अब हमारे पास में क्या है, हमको बोल रहा है हमारे पास में एक रीजन है, रीजन किसका किसका बना हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक पैराबोला होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक पैराबोला होता है इस तरीके का, आपको पता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जो है वो इस तरीके का पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स इस तरीके का होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इस तरीके का होता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई इस तरीके का होता है। तो ये हमारे पास में पैराबोला होते हैं, तो ये पैराबोला हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x, आपको पता है y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो y इक्वल टू x प्लस 0 का क्या मतलब है, स्लोप है 1, मतलब 45 डिग्री, एंड c की वैल्यू 0, मतलब ओरिजिन से पास होता है, मतलब ओरिजिन से पास करता हुआ अपन को इस तरीके से 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करना है, राइट, ठीक है। तो ये एक रफ हमारे पास में एक डायग्राम बना जिसमें क्या, हमारे पास में एक सर्कल है, एक पैराबोला है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन भी है। अब अपन को बोल रहा है अपन को वो एरिया निकालना है जो कि एंक्लोज्ड है इन दिस सर्कल विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। मतलब कि ये जो हमारे पास में पैराबोला है और ये जो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ एरिया हमारे पास में एंक्लोज कर रहा है, राइट, कुछ रीजन बाउंड कर रहा है। तो अपने को इस रीजन को नॉट कॉमन टू द, मतलब इसको अपन को लेना ही नहीं एरिया में, ठीक है, वो एरिया चाहिए जो इसके कॉमन ना हो, ठीक है, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। तो अपन को टोटल एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस करना है, ये हमारे पास में कंसेप्ट हुआ इस क्वेश्चन का। अब अगर आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है, जैसे भी आप सॉल्व करो, इंटीग्रेशन वगैरह लगा के फंक्शन एरिया अंडर द कर्व, जैसे करना है सॉल्व करना आता है तो आप कर लो, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी आओगे, नहीं, आपने मेरी वीडियो देखी, आप छोड़ के आ ही नहीं सकते, आपने पूरी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पूरी प्लेलिस्ट देखी है, आप छोड़ के आ ही नहीं सकते,
ठीक है, आप क्या हो, आप एक फाइटर हो, ऐसे केस में आप एक फाइटर बन जाते हो, एंड आपके अंदर ये स्पिरिट होनी चाहिए कि मेरे को नहीं आता फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करके आऊंगा। कैसे करके आऊंगा, सोचो यार, सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का जो एरिया वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया, व्हाट इज सर्कल का एरिया, ठीक है, सर्कल का एरिया हमारे पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस केस में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज कंपेरेबल टू 2, सो पाई इंटू 2, तो 2 पाई हमारे पास में सर्कल का एरिया होगा। तो 2 पाई में से अपन को कुछ वैल्यू घटानी पड़ेगी, और क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो कुछ वैल्यू बहुत छोटी है, क्लियरली समझ में आ रहा है, पूरे सर्कल में से उस छोटी सी वैल्यू को हटानी है। तो 2 पाई हमारे पास में सर्कल का एरिया, उसमें से कुछ वैल्यू अपन को घटानी है। तो ऑप्शंस में चेक करो किस किस में ये चीज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई माइनस 1 बाई 3, सेकेंड ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 4 पाई माइनस 1 बाई 3, थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई माइनस 1 बाई 6, एंड फोर्थ ऑप्शन में आपको मिलेगा 4 पाई माइनस 1 बाई 6। तो क्लियरली ऑप्शन डी और ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें 4 पाई में से छोटी सी क्वांटिटी माइनस हो रही है, लेकिन अपन को तो 2 पाई में से छोटी सी क्वांटिटी माइनस करनी थी। ठीक है, मजा आया। तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। ये होता है हमारे पास में फाइटिंग बैक स्पिरिट। ठीक है, आप सब फाइटर्स हो, ठीक है, जो भी लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो टॉपर भी है, अगर अगर एक क्वेश्चन भी अटक रहा है तो वो भी करके, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो भी आप अपना स्कोर इंप्रूव कर पाओ, और अगर आप एकदम कुछ नहीं आता आपको तो भी आप एग्जाम में जितना भी हो पाए आप लड़ पाओ। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब ए या फिर सी, इसमें आपको एक रिस्क थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, लेकिन आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एग्जामिनर ने एक ऑप्शन में 6 पाई दिया है, दो ऑप्शन में 12 पाई दिया है, और एक ऑप्शन में 24 पाई दिया। अब एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है। ठीक है, तो एग्जामिनर ने, उसको पता था कि 12 के टर्म में आंसर आ रहा है, तो इसीलिए उसने दो ऑप्शन में 12 का टर्म डाला, ताकि अब बच्चा उसमें भी कंफ्यूज रहे कि यार कौन सा वाला होगा, बी वाला होगा या सी वाला होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमेशा काम नहीं करती, 100% इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ ऐसा सही हो जाएगा, बट एक प्रोबेबिलिटी है कि आप इसमें सी ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, सी ऑप्शन को आप इसमें ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि दो ऑप्शन में आपको 12 पाई दिख रहा है, एक ऑप्शन 6 पाई, एक ऑप्शन 24 पाई। तो प्रोबेबिलिटी है कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जिसने क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ शायद इसमें बी सी में से आंसर है, और अपने बी एलिमिनेट कर दिया अपन ने, तो सी यहां पर हमारे पास में मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए, हमारे को फील आ रहा है। ठीक है, बाकी ए और सी इसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते कि क्या सही होगी, 1/3 1/6 दोनों ही छोटी क्वांटिटी है, आप और कुछ नहीं कर सकते, यही आपके पास में इकलौता तरीका बचा है। अगर आपको रिस्क लेना हो ले लेना, इसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं भाई हम तो रिस्क नहीं लेंगे दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और आप अगर खुश हो इस गलती को करने में तो आप कर लेना। मेरा सजेशन ये रहेगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ मारो एक ऑप्शन, क्योंकि अपने पास में +4 -1 का पैटर्न है, +4 -1 का पैटर्न है। ठीक है, ऐसे पैटर्न में आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके जरूर आपको गेस करना चाहिए। ठीक है, तो बाय द वे यहां पर अगर आप सी करते हो तो आपका यहां पर सही हो जाएगा, बाकी आप लोग एक्चुअल तरीके से भी सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। ठीक है, लेट द फंक्शन, ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ना लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये वो आपको लगेगा, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि आपने पढ़ाई नहीं करी, आपको पता ही नहीं है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है, अभी भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये एटीट्यूड मैं आपको डेवलप कराना चाह रहा हूं, ताकि एग्जाम में जब भी आप स्टक होगे कहीं पर भी, ठीक है, तो आप में ये नहीं होना चाहिए कि यार ये तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, ये होना चाहिए कि यार चल जुगाड़ लगा के कर लेंगे अभी सही, क्योंकि अपने पास में 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, अब कैसे आंसर आया ये अपन से कोई नहीं पूछ रहा। तो अपने को बोल रहा है लेट द फंक्शन एफ -7 से 0 तक है, आर भी कंटिन्यूअस ऑन -7 से 0, ठीक है भाई कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल भी है। डिफरेंशियबल का क्या मतलब है, कोई किंक वगैरह नहीं है, है ना, मतलब मान लो इस तरीके का कोई किंक वगैरह हो तो ये डिफरेंशियबल नहीं हुआ, डिफरेंशियबल मतलब स्लोप, तो यहां पर अपने को स्लोप ऐसा मिलेगा और यहां पर स्लोप ऐसा मिलेगा, तो एक पॉइंट पर दो स्लोप थोड़ी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई किंक वगैरह नहीं है, किंक अगर हुआ ना तो दो स्लोप आ जाते हैं एक ही पॉइंट पर, किंक नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल है, कंटिन्यूअस मतलब क्या है, मतलब कि कहीं भी ब्रेक नहीं है, जैसे मान लो यहां पर ये यहां तक है, यहां पर वैल्यू ऊपर है लेट से, ठीक है, और फिर वापस, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया इस पॉइंट पर, कंटिन्यूअस है। ठीक है, और डिफरेंशियबल मतलब किंक वगैरह नहीं है। ठीक है, अब अपन को बोल रहा है एफ -3 पे वैल्यू, एफ -7 पे वैल्यू -3 है, एंड एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक
ठीक है, और x जो है वो -7 से 0 के बीच में, देन फॉर ऑल सच फंक्शंस f -1 प्लस f0 लाइज इन द इंटरवल, f -1 और f0 को ऐड करके हमारा किस इंटरवल में ये आना चाहिए यार। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, कुछ मत करो आप लोग, कुछ मत, सबसे पहले तो इसको फील करो, फील करो डायग्राम में आपको क्या बोल रहा है। -7 पे वैल्यू कितनी है, -3, -7 पे वैल्यू है -3, तो -7 पे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, -7 पे वैल्यू में जाओ -3, 1 2 3, ये आप चले गए -7 पे -3। ठीक है, अब क्या दिया अपन को, अपन को बोल रहा है -7 से 0 के बीच में, मतलब कि ये जो हमारा रीजन है -7 से लेकर के 0 का रीजन है, इसके बीच में कंटिन्यूअस डिफरेंशियबल सब है। अब डेरिवेटिव की वैल्यू बोल रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू बोल रहा है लेस देन इक्वल टू टू, लेस देन इक्वल टू टू मतलब कि किसी भी मोमेंट पे जो स्लोप है वो 2 से कम रहेगा, 2 या 2 से कम रहेगा, 2 या 2 से कम रहेगा, लेकिन अपन को क्योंकि एक वैल्यू निकालनी है, एक रेंज निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, अपना जाली जुगाड़ क्या है, अपन इसको 2 मान लेते हैं, एक्सट्रीम केस में 2 मान लेते हैं, 2 हो सकता है और 2 से नीचे हो सकता है, अपन इसको एक्सट्रीम केस में 2 मान लेते हैं। अगर अपन इसको 2 मानते हैं, ठीक है, अगर अपन इसको 2 मानते हैं, स्लोप को हर पॉइंट पे 2 मान लो, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये अपना तरीका था, हर पॉइंट पे 2 मान लो मतलब 2 स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ये एक आइडियल केस अपन ने ले लिया, एक एक्सट्रीम केस अपन ने ले लिया, जबकि ये मैक्सिमम केस है, इससे नीचे कुछ भी हो सकता है, स्लोप 2 से कम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपन ने 2 ही मान लिया, लकीर का फकीर, ले भाई यहां से यहां तक 2 ही है, और वो इनकरेक्ट भी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 2। तो अपन ने क्या किया, 2 स्लोप का अपन क्या करेंगे, 2 स्लोप का एक ग्राफ ही बना लेंगे, तो यहां पर अगर 7 है, अगर यहां पर 7 है तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर 14 जाएगा, क्योंकि स्लोप अगर 2 है तो बेस अगर 7 है तो हाइट 14 होना चाहिए, तो हाइट अगर 14 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अगर यहां 7 जाएगा तो ऊपर 14 जाएगा, तो ये हमारे पास में F0 पे वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ये 14 है, नीचे में 3 है, तो एक्चुअल में 0 से काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, है ना, यहां से अगर काउंट करेंगे तो 11 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि नीचे से काउंट कर रहा है -3 से, तो 14 आ रहा है, क्योंकि अपने स्लोप ले लिए अपन 2, तो ये अपने क्या करें, स्लोप ले लिए 2, ठीक है, तो F0 की वैल्यू अपन को पता चल गई अपने एक्सट्रीम केस में 11। अब F -1 की वैल्यू भी पता चल जाएगी, F -1 मतलब यहां पर है, मतलब कि 6 इधर, अगर 6 इधर है तो हाइट में कितना जाएगा, डबल, ऑब्वियस सी बात है, अगर 6 इधर जाएगा तो हाइट में डबल जाएगा, 12, तो ऊपर ले लो आप 12, तो 3 तो इधर है ही और ऊपर में आ जाएगा 9, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत एरर है इस डायग्राम में, लेकिन आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। -7 से -1 तक आएंगे तो 6 यूनिट एक्स में, तो वाई में 12 यूनिट जाएगा, डबल, 3 ऑलरेडी नीचे है ग्राफ नेगेटिव में, तो ऊपर कितना जाएगा, 12 -3 9, ठीक है ना, तो नीचे 3 है तो ऊपर 9 है, तो ये 12 हो गया, और अगर नीचे 3 है ऊपर अपने पास में 11 है तो ये 14 हो गया, 7 14 6 12, ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि F -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 9, F0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 11, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 9 प्लस 11 मतलब 20, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 20, और नीचे तो कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। और एक चीज यहां पर देखो, आपको 2 ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी दिया है, तो ए तो वैसे भी अपन फील करके एलिमिनेट कर सकते हैं वही सेम लॉजिक से जो अपन ने यहां पे लगाया, ठीक है, और वैसे भी सॉल्व करके समझ में आ रहा है कि नीचे तो कुछ भी हो सकता है ना यार, ठीक है, नीचे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट अपन को 20 मिला, 20 मिला तो अपन ने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, फिर अपन ने 2 ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी देखा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एक में -6 है, 2 में -इन्फिनिटी, एक में -3, तो 2 में -इन्फिनिटी मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है होने की, ठीक है, और ये अपन ने ऊपर वाला निकाल लिया, नीचे तो कुछ भी हो सकता है यार, तो नीचे वो -6, नीचे कुछ भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू माइनस, तो कुछ भी जा सकता है नीचे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, नीचे कुछ भी हो सकता है, तो -इन्फिनिटी तक अपना जा सकता है। अपन ने क्या करा, एक्सट्रीम केस निकाल के मैक्सिमम वैल्यू यहां से ही निकाल ली ग्राफ से, सिंपल बेसिक कंसेप्ट यूज करके अपन ने एक बहुत बढ़िया तुक्का यहाँ पे मार लिया। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने पास में थे जेईई मेन 2020 के जनवरी शिफ्ट के, 7 जनवरी के फर्स्ट लॉट वाले पेपर से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था
कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ एंड उसमें से जो भी बेस्ट कमेंट मुझे लगेगा उसको मैं अगले वीडियो में फीचर करूंगा। तो ये मुझे सबसे बेस्ट कमेंट लगा एपिसोड नंबर 97 में, जो कि मरुशिका का है। इट टर्न्स आउट टू बी डैट #97 चीट कोड वीडियो इज माई इट टर्न्स आउट टू बी दैट 97 चीट कोड वीडियो इज माई फर्स्ट एवर व्यूड वीडियो। मतलब ये उसका फर्स्ट व्यूड वीडियो था चीट कोड्स का, ठीक है। 97th वीडियो उसका पहला वीडियो था देखने के लिए, एंड अब लग रहा है कि पहले जाके उन 96 वीडियोस को देखूं, क्योंकि एक वीडियो से इतना सब समझ आ गया तो 96 वीडियोस से कितना समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सीरीज, बहुत हार्ड मचाएंगे। सो दिस इज बेसिकली अ न्यू स्टूडेंट ऑफ माई चैनल, इसीलिए इसको हमारे इस प्लेलिस्ट के बारे में पता नहीं है, एंड उन्होंने लास्ट वीडियो पहली बार देखा, ठीक है। हालांकि ये हमारी स्टूडेंट अभी रिसेंटली है, अकेडमी पे भी काफी आती जाती रहती है, मरुशिका शुक्ला काफी फेमस स्टूडेंट है, एंड यूट्यूब पे इनका ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का पहला एपिसोड था। तो ये मैं कमेंट मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एंड आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ। इस वीडियो के नीचे भी आप लोग कमेंट्स करो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज कैसी लग रही है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, पूरा प्लेलिस्ट देखो शुरू से लेकर एंड तक, एंड जो भी आपके ओपिनियंस है, जो भी आपके राय है नीचे दो। लास्ट ईयर जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफी फायदा उठाया, काफी मार्क्स उन्होंने इंक्रीज किया, एंड इस बार आप लोगों की बारी है, इस सीरीज का आप लोग फायदा उठाओ एंड अपने मार्क्स को बूस्टअप करो, ठीक है। तो अगले वीडियो में भी मैं कमेंट लूंगा जैसे इस वीडियो में लिया है, तो नीचे जरूर से अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डालना, जो भी आपके दिल में बातें हैं वो नीचे जरूर रखना। सबसे बढ़िया कमेंट जो मुझे लगेगा वो मैं आने वाले एपिसोड में लूंगा। बाकी तो बस यही बात है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।